निर्दलीय हिसार से निर्दलीय प्रत्याशी चुनकर आई हूं और मैं बिना किसी शर्त के सरकार को हरियाणा सरकार को समर्थन दे रही हूं, क्योंकि हिसार का और हरियाणा का बहुत अच्छा से विकास करवाना है। तो मुझे मालूम है कि जो नायब सिंह जी मुख्यमंत्री अभी बने हैं, मैं उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ, और मुझे मालूम है कि वो पूरा हरियाणा का बहुत अच्छी तरह से विकास करवाएंगे। तो अभी आप तीनों इकट्ठे जा रहे हैं गवर्नर हाउस? जी, हम लोग तीनों इकट्ठे जा रहे हैं। तो नायब सिंह जो बने हैं, आपको लगता है आपसे और आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल, तीन महीने में उन्होंने जो कार्य किया, हाँ तीन महीने में उन्होंने जो कार्य किया तो उसको देखते हुए लगता है कि हरियाणा के अंदर बहुत अच्छी तरक्की होगी, और इसी तरक्की को देखते हुए कि हरियाणा के अंदर पूरा विकास हो, जो लोगों को असुविधाएं हैं वो उनको सुविधा मिले, सबको ठीक से सबका अच्छी तरह से मेरे हिसार का विकास हो और पूरे हरियाणा का विकास हो, तो इसके लिए हम लोग समर्थन दे रहे हैं। आज हम तीनों निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन पत्र राज्यपाल को देने जा रहे हैं, और मैं समझता हूं अपने क्षेत्र के लिए, जैसे मैं, मेरी विधानसभा गन्नौर है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए और उसकी उन्नति के लिए हमने ये फैसला लिया है, हम सरकार के साथ जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि सरकार के जाने से क्षेत्र की उन्नति होगी और लोगों का जो विकास? जी बिल्कुल। और दूसरा, जो पार्टी के जो विचारधारा है उससे भी आप? हाँ, पार्टी की विचारधारा, मैं तो स्वयं लंबे टाइम से बीजेपी पार्टी में रहा हूँ, और ये चुनाव के समय कुछ 25-30 दिन छोड़ दें टिकट जो कटी थी, उससे पहले मैं पार्टी के साथ ही रहा हूँ, विचारधारा हमारी पार्टी के साथ। राजेश जून हूँ, विधानसभा बहादुरगढ़ से। आज आप दे रहे हैं समर्थन बीजेपी को? जी, अपना समर्थन बीजेपी सरकार को दे रहे हैं। और अभी राज्यपाल जी को जाएंगे? जी, अभी राज्यपाल जी को जाएंगे, वहाँ पे अपना लिखित रूप में अपना समर्थन भाजपा पार्टी को दे रहे हैं। बगैर किसी जो अपना विधानसभा क्षेत्र है उसकी तरक्की, विधानसभा की विकास के लिए भी, और भाजपा पार्टी की नीतियों को पसंद करते हुए और अपने हलके के विकास के लिए, जो भाजपा पार्टी की नीतियां हैं वो आम जन आदमी तक पहुंचती हैं, इससे प्रभावित होते हुए और अपने विकास के लिए, मैं राजेश जून निर्दलीय विधायक हलका बहादुरगढ़ से अपना समर्थन भाजपा सरकार को दे रहा हूं। नायब सिंह सैनी जी अब चुने गए हैं चीफ मिनिस्टर होंगे, बहुत बहुत बधाई है उनको, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, बड़ी अच्छी बात है, हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके कार्यकाल में जैसे पिछले भी तीन चार महीनों में एक से एक अच्छे फैसले लिए गए हैं, ऐसे मैं आशा करता हूं कि आने वाले 5 सालों में ये हरियाणा की आम जनता तक उनका जो सबका हक होता है, आम आदमी का, वो हक नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा। हाँ जी, 100% ज्यादा से ज्यादा तरक्की करेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।